झंडे की कहानी हर घर तिरंगा फहरेगा ये हमने है ठानी हर घर तिरंगा फहरेगा ये हमने है ठानी। आपको पता है इस साल हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं किस चीज का? अपनी आजादी का। पता है? वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे तो। स्कूलों में, ऑफिसेस में, हर सरकारी कार्यालय में अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं और पूरे साल हमने अपने भारत की 75वीं आजादी का वर्षगांठ मनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए। ये जो मैडम खड़ी है ना, ये बताएंगे फ्लैग कोड क्या होता है। लीजिए मैडम। बच्चों, फ्लैग कोड का मतलब क्या होता है? ये हर घर तिरंगा क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। फ्लैग कोड 2002 के अकॉर्डिंग अब हम अपने तिरंगे को, हाँ हम अपने तिरंगे को हर जगह फहरा सकते हैं, पर बहुत सम्मान के साथ, जैसे स्कूल में, अपने घर में, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फहरा सकते हैं, पर बहुत ही डिग्निटी के साथ। और कैसे फहराया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, हम यही बात करेंगे। क्या आपको पता है झंडा कहाँ पे फहराया जाता है? जैसे कि अभी मैम ने बताया कि हम उसे अपने घरों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और स्कूल्स में फहरा सकते हैं, बट आपको पता है इसको फहराएंगे कैसे? कभी भी तिरंगा फटा हुआ नहीं होना चाहिए हमारा, और ना ही वो मैला होना चाहिए, और कभी भी तिरंगे को हम उल्टा, इन्वर्टेड मैनर में नहीं फहरा सकते। जैसे कि आप लोग देखा होगा कि हरा कलर जो होता है तिरंगे का, वो कभी भी ऊपर की साइड नहीं होना चाहिए और केसरिया रंग नीचे नहीं होना चाहिए। पता है कि हम अपने तिरंगे को गाड़ियों पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बट कुछ इम्पोर्टेंट आदमी जैसे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, और जो हायर पोजीशंस पे होते हैं, वो अपनी कार पे फ्लैग को लहरा सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। अब तिरंगा फहराने का समय क्या होना चाहिए? क्या हम रात को तिरंगा फहरा सकते हैं? नहीं, तिरंगा सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में ही फहराना चाहिए, ठीक है? सूर्य अस्त, सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में, ठीक है? कभी भी तिरंगे को रात के समय नहीं फहराना चाहिए। और जब भी तिरंगा फहराया जाता है तो उस तिरंगे से ऊपर कोई और वस्तु नहीं होनी चाहिए, से ऊपर हमारा तिरंगा झंडा। तो बजा दो ताली। अरे भाई, अब आप लोग ये भी तो पूछ सकते हो कि मुझे तो तिरंगे का रंग बहुत पसंद है, क्या मैं उसके कपड़े बना के पहन लूं? पूछो 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 पूछो, बनवा के पहन सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, हमें तिरंगा वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर हमें कलर अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, पर ये तिरंगा का अपमान है, इसलिए हमें उसको अपने तन पर नहीं पहनना है। शहीद होते हैं उनके सम्मान के लिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी होती है, तो उनके ऊपर सिर्फ तिरंगा लपेटा जाता है। सही है? Yes, तो कोई बहुत एमिनेंट पोजीशन पे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब झंडे को राज शोक प्रकट करने के लिए उसे झुका दिया जाता है। और पता है एक और बात है, जानते हो क्या? तिरंगा ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके जैसे रंग पक्के होते हैं, उसका तरीका होता है, साथ में उसमें क्या छुपा होता है? अनुपात। क्या छुपा होता है? अनुपात, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3:2, यानी कि 3:2 में होना चाहिए।
चाहिए, लंबाई 3 के अनुपात में और चौड़ाई 2 के अनुपात में। और पता है एक और बात है, हम कभी भी अलग अलग रंगों को जोड़ के, कपड़ों को जोड़ के तिरंगा नहीं बना सकते। तिरंगा हमेशा एक ही कपड़े का, जिसको अलग अलग रंगों में डुबा के या ऐसे धागों से बनाया जाता है जो वो एक ही रहे, उसको हम जोड़ तोड़ के नहीं बना सकते। बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और एक मजे की बात बताओ, पहले तो तिरंगा केवल खादी का बनाया जाता था, खादी जानते हो ना, घरों में सूत को रंग कर जो है तिरंगा बनाया जाता था। लेकिन आजकल सिल्क का, सूत का, खादी का और पॉलिएस्टर या फिर मशीन के द्वारा जो है हमारा तिरंगा बनाया जाता है। हमारी आन बान शान।